Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मित्रों प्रतिस्पर्धा कानून कंपटीशन लॉ के इस कोर्स में मैं डॉक्टर परीक्षित सिरोही वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक आपका स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 पर स्वागत करता हूं मैं दिल्ली विश्वविद्यालय विधि संकाय से संबंध रखता हूं और इस श्रृंखला में इस कोर्स में हम जो है ये तृतीय व्याख्यान तीसरा लेक्चर आपके समक्ष लेके आए हैं इसका टाइटल है प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ मित्रों आप लोग सब कानून के छात्र रहे हैं कानून के विषय में आपको पता है कोई भी हम लॉ कोई भी हम अधिनियम का जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं उसमें एक डेफिनेशन क्लॉज होता है ये जो डेफिनेशन क्लॉज होता है ये सेक्शन टू होता है आ, उस 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 कानून का तो उन सेक्शन टू में सेक्शन टू ए टू बी टू सी ऐसे करके कुछ आ, टर्म्स डिफाइंड होती हैं ये कुछ आ, महत्वपूर्ण टर्म्स हैं करीब सात आठ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं इनके बारे में बात करेंगे इसके अतिरिक्त एक और टर्म है प्रासंगिक कारोबार यानी कि रेलेवेंट टर्नओवर ये हमारे कानून में तो इसका ज़्यादा उल्लेख नहीं है पर एक प्रसिद्ध वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में उल्लेखित किया है तो उसकी हम थोड़ी सी परिचर्चा यहाँ करेंगे तो ये मित्रों टर्म्स हैं अग्रीमेंट यानी कि समझौता यानी कि करार इसको हम हिंदी में करार भी कहते हैं और समझौता भी कहते हैं तो ये करार या समझौता काटल इसकी हम बात करेंगे उपभोक्ता कौन होता है यानी कि कंज्यूमर उसकी हम बात करेंगे आ, उद्यमिता यानी कि एंटरप्राइज की क्या डेफिनेशन है व्यवहार यानी कि प्रैक्टिस की क्या डेफिनेशन है सामान यानी कि गुड्स की क्या डेफिनेशन है और सेवाएं यानी कि सर्विसेज इसकी क्या डेफिनेशन है Uh, प्रासंगिक बाजार यानी कि रेलिवेंट मार्केट की हम बात करेंगे मित्रों रेलिवेंट जोग्राफिकल मार्केट की बात करेंगे जो कि uh, प्रासंगिक भौगोलिक uh, बाजार है उसकी बात करेंगे प्रासंगिक उत्पाद बाजार प्रोडक्ट uh, मार्केट की बात करेंगे uh, जब भी कोई आपके पास कंपटीशन लॉ में तीन प्रमुख समस्याएं आती हैं ये मैं लिख देता हूं अब्यूज ऑफ डोमिनेंस कॉम्बिनेशी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस यह आपके समक्ष ही जो तीन Uh, मुख्य समस्याएं आती हैं कंपटीशन लॉ में अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एमआरटीपी कानून कहता है डोमिनेंट पोजीशन खराब है साइज जो है बड़ा है वो गड़बड़ है बट ये अब्यूज की बात करता है आपने उसका दुरुपयोग किया कॉम्बिनेशन uh, सारी कॉम्बिनेशन खराब नहीं है कुछ कॉम्बिनेशन कुछ सिचुएशंस में तो इसलिए हम इसको कहते हैं रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस ये जो कानून है ये कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करना चाहता है और किस तरह की कॉम्बिनेशन होती है अमेलगमेशन मर्जर uh, और एक्विजिशन ये तीन है अमेलगमेशन एक्विजिशन और मर्जर ये तीनों मिलके बनाती हैं कॉम्बिनेशन पॉइंट नंबर टू जो आपका है तो ये जो है किस तरह के हैं उनको उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और इनको डिटरमिन करने के लिए हमें सबसे पहले जो है रेलिवेंट मार्केट यानी कि प्रासंगिक बाजार के बारे में चर्चा करनी है और प्रासंगिक बाजार को हम दो हिस्सों में देखते हैं प्रासंगिक बाजार को हम प्रासंगिक जोग्राफिकल बाजार और प्रासंगिक प्रोडक्ट बाजार के रूप में देखते हैं तो प्रासंगिक जो है उत्पाद बाजार और प्रासंगिक भौगोलिक बा, बाजार मैं उदाहरण देता हूं अगर बात हो रही है लेदर शूज की तो हम देखेंगे तो प्रोडक्ट तो आपने लेदर शूज बता दिया तो यह हो गया रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट प्रासंगिक उत्पाद बाजार लेदर शूज अब बात अगर कानपुर शहर की या लखनऊ शहर की हो रही है तो हम इसको जोग्राफिकल एरिया को डिफाइन कर दिया तो ये हो गया प्रासंगिक भौगोलिक बाजार तो अगर हम बात कर रहे हैं लेदर शूज इन कानपुर कानपुर में लेदर के जूते चमड़े के जूते तो हमने जो है ये अब हमने प्रासंगिक बाजार को डिफाइन कर दिया किस माध्यम से उत्पाद के थ्रू और भौगोलिक बाजार के थ्रू तो इन दोनों का समावेश बहुत आवश्यक हो जाता है इनका डिटर्मिनेशन बहुत आवश्यक होता है जब भी हमें कोई समस्या आती है चाहे वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस की हो चाहे वो रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन की हो चाहे वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस की हो मान लीजिए आपके समक्ष एक शिकायत आई है कि दो एयरलाइन का विलय हो गया इससे जो है कॉम्पिटिशन पे प्रतिस्पर्धा पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला तो आप सबसे पहले पूछेंगे ये दोनों एयरलाइंस कौन सी तरह की हैं क्या वो फुल सर्विस हैं क्या वो बजट एयरलाइंस फिर आप पूछेंगे है, इंटरनेशनल है फिर आप ये दोनों कौन से देश की हैं, भारत की हैं कि यूरोप की हैं तो आप इस आधार पे निर्णय लेंगे कि क्या प्रोडक्ट मार्केट क्या है प्रोडक्ट मार्केट मतलब जो ज्योग्राफिकल और जो प्रोडक्ट है इनका समावेश मित्रों ऐसे ही प्रासंगिक कारोबार की बात करेंगे लॉ में इसके बारे में ज्यादा नहीं है बट माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस वाद के तहत प्रासंगिक कारोबार की परिभाषा देने का प्रयास किया है खास तौर पे अगर जो गुड्स हैं वो जो अनकॉमन गुड्स हैं जो जो सामान ऐसा है जो आम जरूरत का सामान नहीं है मित्रों इस केस में एक फर्टिलाइजर था तो वो फर्टिलाइजर कीटनाशक जो पौधों में कीड़े लगने वाली दवाई है उसका उसकी जो गोलियां हैं वो है प्रोडक्ट तो वो आम दवाई तो है नहीं हम और आप तो खाते नहीं खरीदते नहीं बट ब्रेड जो है उसके लिए कानून अलग होगा मित्रों फिर जो है मित्रों ये जो है एक और वाद जो प्रसिद्ध वाद है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ भी हम आपको आ, आ, ये ये दोनों वाद का जो डिस्कशन है ये मैं क्यों करना चाहता हूँ इस परिचर्चा क्यों करना चाहता हूँ कि मैं आपके समक्ष ये जो प्रासंगिक बाजार है इसको निकालना दिखाना चाहता हूँ इन दो वादों के माध्यम से तो ये जो है सी सी आई बनाम फिल्म वेस्ट बंगाल फिल्म और टीवी कलाकारों और टेक्नीशियनों की समन्वय समिति 2017 हज़ार ये केस का नाम है इसके बारे में थोड़ी सी आपको परिचर्चा करेंगे कोई सा भी केस हम डिस्कस करेंगे हम आपसे डिस्कस करेंगे सी में क्या हुआ फिर हम डिस्कस करेंगे कॉम्पैक्ट में क्या हुआ और फिर हम डिस्कस करेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय में क्या हुआ सो सी सी आई मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया उसके निर्णय के खिलाफ अपील करने का आपको अधिकार है कॉम्पैक्ट में जो भी पार्टी हारती है वो वहाँ जाती है कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन एपली ट्रिब्यूनल और उसकी जो अपील है उसके निर्णय के खिलाफ अपील जाती है माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सो so, फिर uh, ये हमारे आज के पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में हम अगले uh, लगभग एक घंटे में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे मित्रों सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन अग्रीमेंट एक अग्रीमेंट क्या होता है एक समझौता या एक करार क्या होता है आ, जो जो ये जो है धारा दो बी के तहत परिभाषित है डिफाइंड है और ये क्या इसमें सम्मिलित है एनी अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कॉन्सर्ट वेदर और नॉट सच अग्रीमेंट इज फॉर्मल इन और इन राइटिंग मैं पहले अंग्रेजी में बता रहा हूँ फिर उसको यही चीज़ हिंदी में बताऊँगा क्योंकि यहाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने आपको दोनों अंग्रेजी एवं हिंदी के आ, करके यहाँ बताया है वेदर और नॉट सच अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज इंटेंडेड टू बी इन्फोर्सिबल बाय लीगल प्रोसीडिंग्स ये जो अग्रीमेंट है ये समझौता है इसके अंतर्गत कोई भी व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट कोई भी समझ दोनों के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग है मेरे आपके बीच में जो भी समझ है मेरे और मेरे जो कैमरा मैन हैं उनके बीच में समझ है कि जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं वो मुझे किसी संदेश के माध्यम से पहुँचा देते हैं बिना आपके देखे तो आ, कोई भी अंडरस्टैंडिंग है वो समझ है दो लोगों के बीच में या कोई भी कार्रवाई या एक्शन जो वो, वो सम्मिलित है आ, और ऐसा कोई एक्शन जो ऐसी व्यवस्था ऐसी समझ औपचारिक आप, हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लिखित हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आपका चाहे आपका मंशा ये रही हो आपका इंटेंशन ये रहा हो आ, कि इसको हम कानून के द्वारा इन्फोर्स करवाएंगे या नहीं करवाएंगे इस अग्रीमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जो है अग्रीमेंट के दायरे में आता है जहां तक कि प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा कानून का दायरा है मित्रों हमें लॉ में पता है कि हम जो भी शब्द है उसको उस कानून के अंतर्गत जो उसकी डेफिनेशन है उसके हिसाब से लेते हैं तो इसी शब्द का अंतर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में शायद कुछ और निकले जो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है संविदा विधि है उसमें आपको पढ़ाया गया अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट पर यहां पे अग्रीमेंट का मतलब यह है जो मैंने आपको बताया मित्रों हमेशा ध्यान रखिएगा कानून में जो डिक्शनरी में मीनिंग है वो नहीं देखना है जो किसी और कानून में मीनिंग है वो नहीं देखना है उस कानून में देखना है अगर उस कानून में नहीं मिलता तो फिर हम किसी मिलते जुलते कानून से देखेंगे उदाहरण के लिए अगर हमें कंपटीशन एक्ट में ना मिले तो शायद हम आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को देख सकते हैं आ, और फिर उसके बाद हम जनरल क्लॉजेस एक्ट को देखते हैं मित्रों फिर उसके बाद हम किसी लॉ डिक्शनरी को देखते हैं मित्रों फिर हम किसी जजमेंट को देखते हैं फिर हम किसी विदेशी जजमेंट को देखते हैं और अंत में थक हार के हम किसी डिक्शनरी या शब्दकोश का सहारा लेते हैं तो इस तरह हम जो इसीलिए ये जो डेफिनेशनस हैं ये इतनी महत्वपूर्ण है इसीलिए आज आपको ये इस इस, तृतीय लेक्चर में कराई जा रही है वैसे मैं आपको दूसरे लेक्चर में भी ये पढ़ा सकता था और तीसरे लेक्चर में राघवन समिति के बारे में बता सकता था और कॉम्पिटिशन एक्ट कैसे आया वो बता सकता था बट मैंने सोचा कि आपने क्योंकि पहला इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो उसके साथ में ही राघवन समिति पढ़ लीजिए ये कानून कैसे आया पढ़ लीजिए और उसके बाद हम डेफिनेशन कर लेंगे पर आने वाले जो सात लेक्चर हैं उसके उसके लिए ये बेस बना अब अनिवार्य हो गया था मित्रों अब हम बात करते हैं एक कार्टेल की कार्टेल, कार्टेल सप्लाई का कार्टेल हो सकता है डिमांड का कार्टेल हो सकता है। अगर सप्लायर करने कार्टन बना लिया तो वो कीमतों को ऊपर धकेलने का काम करेंगे कि भाई इतनी सप्लाई आ रही है मार्केट में क्या करें सप्लाई का सबसे अच्छा सप्लाई कार्टेल का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है ओपेक आप लोगों ने यह नाम सुना होगा सुना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ये लोग क्या करते हैं जब तेल के दाम उनको बढ़ाने होते हैं ये मार्केट में प्रोडक्शन सप्लाई को कम कर देते हैं तो तेल के दाम बढ़ने लगते हैं कच्चा तेल बढ़ने लगता है तो सभी देश भारत जैसे देश अमेरिका जैसे देश जिनको तेल खरीदना होता है ज्यादा पैसे देने पड़ते जब इनको लगता है कि अच्छा बाजार सुस्त है कीमतों को कम करने की आवश्यकता है वो और प्रोडक्शन करते हैं मार्केट में और ले आते हैं तो कीमतें कम हो जाती है मित्रों अभी वैसे ही मार्केट में सप्लाई कम हो गई है क्योंकि रूस की जो है प्रोडक्शन कम हो गई है उनके साथ दो साल से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो मार्केट में वैसे ही उछाल है सो so, मित्रों ओपेक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सप्लाई कार्टिल का ऐसे ही मित्रों डिमांड काटल हो सकता है कोई ऐसा परचेजर जो मार्केट का बहुत बड़ा अंश खरीदता हो इसको इस तरह से लिख लीजिए या चलिए दूसरी तरह से लिख लेते हैं एग्जाम्पल जो दे रहा हूं आपको डीजल मान लीजिए सौ रुपये लीटर मिलता है रेलवेज आजकल तो उन्होंने बिजली से ट्रेन चलानी काफ़ी शुरू कर दी है बट आज भी बहुत ज़्यादा डीजल की खपत करते हैं जो आपकी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट बसेस हैं ये बहुत बड़े डीजल के उपयोग करता है आपको क्या लगता है जो व्यक्ति हजारों में डीजल भरा रहा है हज़ारों लीटर लाखों लीटर डीजल भरा रहा है क्या वो भी नब्बे रुपये सौ रुपये रेट दे रहा है जो आप और हम दे रहे हैं आंसर है नहीं क्योंकि उस एक व्यक्ति के पास यह क्षमता है कि वो प्राइस को नीचे धकेल सके आप भी जब कोई ज्यादा सामान ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको भी व्यक्ति होलसेल रेट देने की बात करता होता है कि नहीं ऐसा तो मित्रों ये जो है आप देखेंगे कि ये कुछ मैंने आपको सिंपल से उदाहरण दे दिए रेलवेज एक परफेक्ट एग्जाम्पल कार्टेल का नहीं है बट आपको समझाने के लिए कि डिमांड साइड पे भी कोई व्यक्ति ऐसी क्षमता रख सकता है कि वो बाजार को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी रखता है मित्रों तो प्रतिस्पर्धा कानून में धारा टू सी के तहत ये परिभाषित है डिफाइंड है और कार्टल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स सेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेडर्स सर्विस प्रोवाइडर्स एग्रीमेंट अमंग्स अमंग्सल्स लिमिट कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेल और प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज मतलब कार्टेल या तो उत्पादकों में हो सकता है विक्रेताओं में हो सकता है वितरकों में हो सकता है व्यापारियों में हो सकता है सर्विस प्रोवाइडर सेवा प्रदाताओं में हो सकता है एक संघ जैसा बन गया एक यूनियन बन गया एक कार्टल बन गया क्योंकि सबके इंटरेस्ट वही है अगर दाम बढ़ता है मार्केट में तेल का तो सऊदी अरेबिया का भी फायदा है बारेन का भी फायदा है इंडोनेशिया का भी फायदा है थाईलैंड का भी फायदा है क्योंकि ये सभी तेल बेचते हैं और जो लोग आयात करते हैं उनका नुकसान है मित्रों ये कॉमन इंटरेस्ट वाली बात हमेशा याद रखिएगा कार्टिल के केस में सो so, मित्रों ये आपस में कोई समझौता कर लेते हैं देखिए समझौता कोई लिखित होने की जरूरत नहीं है आंखों आंखों में संदेशे भेजे जा सकते हैं कोई ऐसे समझौते ऐसे नहीं है कि वो स्टैंप पेपर पे होंगे ये समझौता उत्पादन वितरण बिक्री मूल्य को नियंत्रित करना प्राइस कंट्रोल सेवाओं के प्रावधान में व्यापार को कम करना बढ़ाना नियंत्रित करना या प्रयास करना ये चीजें जो है एक कार्टिल का उद्देश्य होता है हमने भारतवर्ष में सीमेंट कार्टिल देखा हमने भारतवर्ष में ये जो है हॉस्पिटल कार्टिल देखा हमने भारतवर्ष में टायर कार्टिल देखा कुछ याद आ रहा होगा आपको स्टील कार्टिल देखा अगर आपने पहले कंपटीशन लॉ पढ़ा है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाले केस में ये है हॉस्पिटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाले केस में यह है एसीसी uh, वाले केस में सीमेंट कार्टिल की बात है और अपोलो टायर वाले केस में टायर की बात है और अभी जो आपके समक्ष दो केस लेके आएंगे एक में महाभारत धारवाहिक की बात है और मित्रों एक में फर्टिलाइजर की बात है सो so, कार्टिल किसी भी तरह की वस्तु का बन सकता है बस जो लोग हैं प्रोड्यूसर हैं सप्लायर हैं बायर हैं उनके इंटरेस्ट सेम होने चाहिए मित्रों अच्छा मित्रों अब हम बात करते हैं उपभोक्ता की अब हम और आप कंज्यूमर हैं हम और आप जानते हैं एक जगह मैं पढ़ रहा था कि कंज्यूमर के लिए एक और शब्द होता है कस्टमर तो एक जगह मैंने पढ़ा कि कस्टमर को तो असल में कष्ट से मर कहते हैं इसलिए उसका नाम है कस्टमर कष्ट से मर So, मित्रों ये तो हो गई मजाकिया बात बट कानूनी बात यह है कि उपभोक्ता की जो डेफिनेशन है जो डिक्शनरी में है वो नहीं जो इस कानून में है वो वो क्या है उपभोक्ता कोई भी व्यक्ति है जिसने कोई भी सामान ऐसे प्रतिफल प्रतिफल जो आपको कॉन्ट्रैक्ट विधि में पढ़ाया होगा संविदा विधि में प्रतिफल का मतलब होता है कंसिडरेशन ये पेन मैंने दस रुपए का दिया है अब इस पेन की वास्तविक कीमत सौ रुपए हो या पांच सौ रुपए हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता मैंने दस रुपए दिए हैं तो मैंने प्रतिफल दस रुपए अदा किया है प्रतिफल के बदले में खरीदा है भुगतान किया है वादा किया है या तो मैंने दस रुपए दे दिए हैं या मैंने नौ रुपए आज दिए हैं एक रुपये कल देने का वादा किया है आंशिक रूप से वादा किया है आंशिक रूप से भुगतान कर दिया है उस व्यक्ति के अलावा अन्य ऐसे सामान के कोई भी उपयोग उपभोगकर्ता शामिल हैं जो भुगतान किए गए या वायदा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए आंशिक रूप से वायदा किए गए विचार के लिए ऐसे सामान को खरीदता है तो चाहे मैंने पूरे पैसे अदा कर दिए हो मित्रों चाहे आधे पैसे अदा किए हो आधे देने का वायदा किया है चाहे ले लिया हो और वायदा आगे का किया हो पूरी रूप से पूर्ण रूप से वायदा किया नहीं, नहीं, नहीं पैसे आ जाएंगे, आप ले जो। पूरा एक भी आपने नहीं दिया होता है कभी कभी आप कहते यार मेरे पास तो पचास ही है एक काम कर आज मैं ले जाता हूं पचास कल दे हा हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा स्कूल कॉलेज हॉस्टल में हम देखते हैं किताब में लिख लेता है कि इनका इतना हिसाब हो गया ठीक है जी या अस्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत जब ऐसा उपयोग व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है माल की खरीद गुड्स के खरीद पुनर्विक्रय के लिए हो मैं हो सकता है जैसे दुकानदार होते हैं वो अपनी जेब से पैसा दे के थोड़ी साबुन आपको जो मान लीजिए मिस्टर एक्स की एक दुकान है उसमें लिरिल का साबुन रखा है बीस रुपये उसके कंज्यूमर को कीमत है तो और जो दुकानदार है उसको अठारह रुपये का पड़ा दो रुपये उसका प्रॉफिट है तो ऐसा थोड़ी है कि उसने अठारह रुपये दे दिए हैं होल को रिटेलर को और फिर वो नो वो क्रेडिट पे लेके आया है वो माल जो है वो सामान जो है वो साबुन जो है पुनर्विक्रय के लिए है उसको भी फ्रेंड्स कंज्यूमर की डेफिनेशन में लाया गया है वो जो रिटेलर है वो जो होलसेलर है वो भी इस डेफिनेशन के अंतर्गत लाया गया है चाहे वो किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए हो मैंने एक गाड़ी खरीदी क्रेटा और वो क्रेटा जो है मैंने टैक्सी के लिए चलाने के लिए खरीदी हो या अपने उपयोग के लिए दोनों ही केस में मैं कंज्यूमर हूं मित्रों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन में अगर मैं स्वयं के उपयोग के लिए लेता हूं तभी मैं कंज्यूमर हूं अगर मैं एक टेलर हूं और मैंने कैंची खरीदी है तो वो कंज्यूमर नहीं हूं लेकिन मैंने अपने घर के लिए कैंची खरीदी है तो मैं कंज्यूमर हूं टैक्सी खरीदी है तो कंज्यूमर नहीं हूं और वही गाड़ी अपने खुद के चलाने के लिए तो कंज्यूमर हूं यहां पे ऐसा नहीं है मित्रों तो दोनों ही सूरत में मैं कंज्यूमर की परिधि में आता हूं या व्यक्तिगत तो उपयोग के लिए अच्छा चलिए और आगे चलते हैं थोड़ा सा ऐसे प्रतिफल के लिए कोई भी सेवा किराए पे लिए कोई भी लाभ उठाया है जिसका आपने जो है कंसिडरेशन जो है प्रतिफल या तो दे दिया पूरा या पूरा वादा कर दिया या आंशिक रूप से दे दिया और आंशिक रूप से वादा कर दिया और ऐसे सेवाओं का लाभ आपने जो है लिया है या मांगा है या यूज किया है ये आप कंज्यूमर की परिधि में आ गए अगेन अगर आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है या आपके बिजनेस के उपयोग के लिए चलेगा दोनों ही केसेस में आप उपभोक्ता की परिधि में आ चुके हैं। मित्रों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ओनली अगर आप आ, फाइनल ग्राहक हैं आप कंज्यूमर हैं पर इसमें जो है आप इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आता है मैं आपको उदाहरण देता हूं मान लीजिए मिस्टर एक्स की एक हेयर कटिंग सैलून है यह एक सेवा है एक सर्विस है इसमें यहां मैंने टैक्सी का उदाहरण दिया था और यहां मैं आपको एक एक हेयर कटिंग सैलून का उदाहरण देता हूं तो यहां पे मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को बुलाया बाल ये खुद काटते हैं बट सुखा नहीं पाते तो सुखाने के लिए इन्होंने एक दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को बुलाया ये बाल काटने के सौ रुपए लेते हैं, ये बाल सुखाने के दस रुपए लेते हैं, ये सज्जन सौ में से दस रुपए इन्हें देते हैं, और एक कंज्यूमर हैं मिस्टर बी, वो आए इनको सौ रुपए दिए तो मिस्टर बी भी इसकी डेफिनेशन में है मिस्टर ए भी इसकी डेफिनेशन में और मिस्टर एक्स भी इसकी डेफिनेशन में कंज्यूमर ये सभी इसमें कंज्यूमर हो जाते हैं मित्रों जो भी सेवा का उपयोग करता है मान लीजिए मिस्टर एक्स ने किसी और से सेवा ली तो मिस्टर एक्स भी हो जाएंगे अगर किसी और से सेवा नहीं ली तो केवल ए और बी रहेंगे मित्रों इस पर डेफिनेशन के बाद हम जो है अगली डेफिनेशन पर चलते हैं आशा करते हैं आपको ये ठीक तरह से अध्ययन हो रहा होगा अगली जो डेफिनेशन है वो एंटरप्राइज या उद्यमिता की डेफिनेशन है उद्यम या उद्यमिता उद्यमिता मतलब एंटरप्राइज में जाना तो उद्यम का अर्थ है सरकार का वो व्यक्ति वो विभाग ये एंटरप्राइज का अर्थ है वो व्यक्ति वो विभाग जिसमें इकाइयां देखिए सारी एंटरप्राइज की बात नहीं हो रही है केवल सरकारी एंटरप्राइज की बात हो रही है जो इकाइयां या जो डिवीजन या जो सहायक कंपनियां जो जो आर्टिकल्स और गुड्स दोनों के उत्पादन भंडारण यानी कि स्टोरेज आपूर्ति यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन वितरण सप्लाई, अधिग्रहण नियंत्रण यानी एक्विजिशन और कंट्रोल से संबंधित किसी भी आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित हैं में लगे हुए हैं सेवाओं का प्रावधान कर रहे हैं किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी भी तरह के अधिग्रहण कर रहे हैं किसी भी अन्य निकाय के शेयरों में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी दूसरी कंपनी के शेयर में बॉन्ड में डिबेंचर में अन्य सिक्योरिटीज यानी कि प्रतिभूतियों में तो वो ये इकाइयाँ ये डिवीजन सहायक कंपनियों के माध्यम से अगर वो हामी भर रहे हैं अंडर कर रहे हैं या कोई डीलिंग कर रहे हैं या उनको खरीद रहे हैं तो ये सब एक एंटरप्राइज की परिधि में आते हैं मित्रों आ, सरकार का कोई ऐसा व्यक्ति या विभाग जो जिसकी इकाइयां या वो खुद या उसकी डिवीजन या उसकी सहायक कंपनियां जो आर्टिकल्स या गुड्स का प्रोडक्शन सेल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग आ, एक्विजिशन कंट्रोल सप्लाई स्टोरेज इस तरह का काम कर रही हों या कोई सेवाएं प्रदान कर रही हों या किसी और कंपनी में ऐसा निवेश कर रही हों जो इस तरह का कार्य कर रहा हो या किसी के शेयर डिबेंचर सिक्योरिटीज को अंडरइट कर रहे हों उनको सब्सक्राइब कर रहे हों खरीद रहे हों मैनेज कर रहे हों ये सब जो है इसकी एंटरप्राइज की परिधि में आती है अच्छा सरकार की ऐसी कंपनियां जो सॉवरेन फंक्शंस यानी कि संप्रभुता वाले कार्यों में सम्मिलित हैं यानी कि एटॉमिक एनर्जी स्पेस आ, और बाकी चीजें वो इस डेफिनेशन में नहीं आएंगी क्योंकि वो संप्रभु कार्य हैं सॉवरेन फंक्शंस हैं आपने केस भी पढ़ा होगा टॉड्स में विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान विद्यावती बनाम राजस्थान राज्य ये केस भी पढ़ा होगा आपने दूसरा केस आपने पढ़ा होगा सॉवरिन फंक्शंस पे बख्शी अमरीक सिंह बनाम भारत गणराज्य जिसमें आपने देखा होगा कि आ, आर्मी का ट्रक चलाना जिसमें वॉलीबॉल वौल के खिलाड़ी जा रहे हैं वो सॉवरिन फंक्शन की परिधि में नहीं आता है अब ये गतिविधि क्या होती है गतिविधि की आपने बात की गतिविधि क्या होती है कोई भी पेशा या कोई भी व्यवसाय ये गतिविधि की डेफिनेशन में मित्रों सम्मिलित है ये आर्टिकल का मतलब क्या होता है एक ऐसा आर्टिकल या जिसमें कोई नया आर्टिकल भी सम्मिलित है सेवा का मतलब सर्विस का मतलब कोई ऐसा जिसमें कोई नई पुरानी कैसी भी सेवा हो सकती है यूनिट या डिविजन में सम्मिलित है ओ, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन भंडारण वितरण अधिग्रहण इत्यादि हो रहा है सो so, ये गतिविधि की कुछ आ, आ, पर, कुछ क्लैरिफिकेशन जो एक्सप्लेनेशन में दी हुई है इस सेक्शन की वो मैंने आपको बताई मित्रों आगे बढ़ते हुए व्यवहार यानी प्रैक्टिस बड़ी ही सरल सी परिभाषा है सेक्शन टू एम में परिभाषित है कोई भी व्यक्ति कोई भी उद्यम किसी भी व्यापार को करने से संबंधित कोई भी प्रैक्टिस जो कोई भी व्यक्ति कर रहा हो किसी भी उद्योग किसी भी उद्यम से संबंधित वो इसमें सम्मिलित है उनकी यहां पे बात की जा सकती है मित्रों मित्रों सामान यानी कि गुड्स सेक्शन टू आई धारा दो आई प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत ये परिभाषित है इसका अर्थ क्या है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो आपका लॉ है उसमें जो परिभाषित उसमें जो माल की डेफिनेशन है गुड्स की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन यहां है देखिए मित्रों क्या कहा गुड्स की डेफिनेशन क्या है गुड्स की डेफिनेशन वो है जो फलाने फलाने एक्ट में है और उसके एडिशन में क्या है तीन चीजें और जोड़ दी जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डेफिनेशन है उसके अतिरिक्त तीन चीजें और जोड़ दी वो तीन चीजें क्या है उत्पादित संसाधित या खनन की हुई गुड्स माइंड की हुई गुड्स प्रोड्यूस की हुई गुड्स या प्रोसेस की हुई गुड्स आवंटन के पश्चात डिबेंचर स्टॉक व शेयर आफ्टर अलॉटमेंट जब तक वो अलॉट नहीं हुए वो इस श्रेणी में नहीं आएंगे अलॉटमेंट के पश्चात आवंटन के पश्चात डिबेंचर स्टॉक या शेयर वो इसकी परिधि में आते हैं गुड्स की परिधि में और भारत में आपूर्ति भारत में वितरित भारत में नियंत्रित माल जो भी है वो आयात की ये, ये जो है ऐसे माल के संबंध में उसको भी माल माना जाएगा भारत में जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया भारत में जो आपने सप्लाई किया और भारत में जो आपने कंट्रोल किया वो ऐसा माल जो है वो इसकी डेफिनेशन में आएगा तो ये तीन चीजें इसके अतिरिक्त ये सो so ये एक चीज है ये दूसरी तीसरी और चौथी विषय वस्तु जो हम गुड्स के विषय में कह सकते हैं मित्रों मित्रों सेवाएं यानी कि सर्विसेज आजकल सेवाएं जो है हमारी अर्थव्यवस्था का 50 परसेंट से ज़्यादा जीडीपी का हिस्सा आ, हो चुकी हैं अब 60 परसेंट की तरफ अग्रसर हैं तो सेवाएं बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहाँ पे हम देखते हैं धारा दो यू सेक्शन टू यू में इनको हमने परिभाषित भी किया हुआ है मित्रों आ, किसी भी विवरण की सेवा सर्विसेज ऑफ एनी टाइप सर्विसेज ऑफ एनी टाइप किसी भी विवरण की सेवाएं मित्रों जो संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती हैं इसमें जो है बैंकिंग सेवा संचार सेवा शिक्षा सेवा फाइनेंसिंग सेवा यानी कि वित्त पोषण सेवा बीमा सेवा यानी कि इंश्योरेंस चिट फंड्स रियल एस्टेट यानी कि जमीन या प्रॉपर्टी का खरीद फरोख का मामला परिवहन सेवा ट्रांसपोर्टेशन भंडारण यानी कि वेयर हाउसिंग स्टोरेज की सेवा मटेरियल ट्रीटमेंट जो आपने मान लीजिए किसी भी माल का जो है प्रोसेसिंग करवाई ये प्रसंस्करण ये खाद्य प्रसंस्करण हो सकता है या किसी अन्य तरह का प्रसंस्करण हो सकता है विद्युत या अन्य ऊर्जा की आपूर्ति विंड एनर्जी हाइड्रो एनर्जी पावर कोल थर्मल पावर वो सब किसी भी तरह की ऊर्जा की आपूर्ति रहने का बंदोबस्त आवास का सेवा कोई होटल या लॉजिंग सेवा चला रहे हैं मनोरंजन मतलब अम्यूजमेंट एंटरटेनमेंट निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन मरम्मत यानी कि रिपेयर की सेवा समाचार की सेवा न्यूज ग्रुप चला रहे हैं समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहे हैं कुछ इंटरनेट पे समाचारों का कोई ब्लॉग चला रहे हैं सूचना और विज्ञापन का संदेश दे रहे हैं विज्ञापन के बिजनेस में है एडवर्टाइजिंग के बिजनेस में है इंफॉर्मेशन के बिजनेस में है किसी भी औद्योगिक या वाणिज्यिक मामले में किसी भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल केस में आ, आप जो भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं आ, अच्छा कुछ व्यक्ति अपने आप को ही सेवा प्रदान करते मित्रों वो इसके एम्बिट में नहीं आएगा सेल्फ कंज्यूम्ड सर्विसेज मान लीजिए मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट हूं और मैं अपने बाल खुद ही काटने लगू मित्रों वो यहां नहीं आएगा मित्रों मान लीजिए मैं एक शेफ हूं और मैं खुद ही अपने घर में खाना बहुत लजीज बना रहा हूं मित्रों वो यहां पे नहीं आएगा मित्रों मान लीजिए कि मैं आ, एक बहुत बड़ा अध्यापक हूं और मैं अपने ही घर में अपने ही बच्चों को पढ़ा रहा हूं मित्रों वो यहां पे नहीं सम्मिलित होगा पर अगर मैं यूनिवर्सिटी में या कोचिंग क्लास में या किसी और इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ा रहा हूं वो यहां पे सम्मिलित होगा मित्रों फिर हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे रेलिवेंट मार्केट की तो रेलिवेंट मार्केट जैसे मैंने आपको बोला था इसका डिटर्मिनेशन बहुत ही आवश्यक होता है अत्यंत आवश्यक होता है प्राइम इंपॉर्टेंस का होता है जब हम बात कर रहे हैं जो प्रासंगिक बाजार है सारे क्वेश्चन उसी पे देखे जाएंगे कि प्रासंगिक बाजार क्या है व्हाट इज द रेलिवेंट मार्केट तो जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम है उसकी धारा दो आर के तहत हमने इसको परिभाषित किया है और ये बाजार प्रासंगिक उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट मार्केट और प्रासंगिक भौगोलिक बाजार के संबंध में या इन दोनों के संबंध में निर्धारित किया जा सकता है आप मेरे पूर्व में दिए गए इसी लेक्चर में पूर्व में दिए गए उदाहरण का संस्मरण कीजिए मैंने आपको चमड़े से निर्मित जूतों के उदाहरण दिया था तो मित्रों या तो हम चमड़े से निर्मित जूतों का ही प्रोडक्ट मार्केट आ, आ, के आधार पर रेलिवेंट मार्केट को डिफाइन कर लें या हम केवल कानपुर के जूते मार्केट को ही प्रोडक्ट जोग्राफिकल मार्केट के रूप में मान लें या मित्रों हम दोनों को सम्मिलित करें और फिर देखें वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा और हम देखेंगे कि अधिकांश केसेस में ये दोनों ही चीजें सम्मिलित होंगी प्रोडक्ट एवं जोग्राफी तो इसलिए कानपुर के चरम उद्योग या कानपुर के लेदर मार्केट या कानपुर के लेदर शूज इस तरह से डिटरमिन किया जाएगा जब जब क्वेश्चन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन का आएगा तब वो उस हिसाब से देखा जाएगा कि कानपुर में फला फला कंपनी बहुत बड़ी है क्या वो दूसरों को मार्केट में आने से रोक रही है क्या वो एक कंपनी ने दूसरी को खरीद लिया या उसमें विलय हो गई क्या वो कंपनी uh, uh, जो है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रही है तो ये उस तरफ से देखा जाएगा रेलिवेंट मार्केट आपने अगर डिफाइन कर दिया कानपुर का चरम उद्योग कानपुर के uh, जूतों को लेके एक चर्म उद्योग चर्म उद्योग में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जैकेट भी आ जाता है सूट केस भी आ जाता है चप्पल भी आ जाती है सैंडल भी आ जाती है महिलाओं के भी आ जाते हैं पुरुष के भी आ जाते हैं आप समझ रहे तो ये जटिल इशू है तो इसको ध्यान से इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा अधिक समय आ, अपना जो है स्पेंड कर रहा हूं मित्रों एक ऐसा बाजार आ, जो 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 जो, जो प्रोडक्ट के बेसिस पे या ज्योग्राफी के बेसिस पे या दोनों के बेसिस पे निर्धारित किया जा सकता है चलिए हमने रेलिवेंट मार्केट पढ़ लिया अब हम देखते हैं रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट क्या होता है मित्रों प्रासंगिक भौगोलिक बाजार धारा दो एस में इसको परिभाषित किया गया है वह क्षेत्र जिसमें माल की आपूर्ति यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माल या सेवाओं का प्रावधान माल की आपूर्ति या सेवाओं का प्रावधान या सेवाओं के लिए जो मांग है वो स्पष्ट रूप से समरूप है होमोजेनस है मित्रों कानपुर में जो व्यक्ति चमड़े का काम करते हैं उनमें सब में आपको लगभग उसी क्वालिटी का सामान मिलेगा लखनऊ में जो व्यक्ति आम का व्यापार करते हैं दशहरी आम का उनके यहां लगभग उसी क्वालिटी का आपको दशहरी आम मिलेगा इलाहाबाद या प्रयाग राज्य में अगर कोई व्यक्ति अमरूद का व्यापार करता है तो लगभग उसी क्वालिटी का आपको अमरूद मिलेगा तो ये जो सेवाएं हैं या ये जो गुड्स हैं ये प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्पष्ट रूप से इनमें समरूप है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि किसका माल बहुत ज़्यादा अच्छा है इसलिए इस पूरे मार्केट को चाहे वो कानपुर का जूता मार्केट हो लेदर का या चाहे लखनऊ का दशहरी आम का मार्केट हो या चाहे प्रयागराज का नमकीन समोसा मार्केट हो या चाहे प्रयागराज का अमरूद मार्केट हो इन सभी को हम कह सकते हैं प्रासंगिक भागोलिक बाजार क्योंकि इसमें जितने भी सेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट बाय एंड लार्ज समरूप या होमोजीनस पाए जाएंगे अगर यहां पे स्थिति स्पष्ट है मित्रों तो आगे हम प्रासंगिक उत्पाद बाजार की बात करेंगे रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट ना, 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 तो मित्रों ये ऐसा बाजार है जिसमें सेवाओं का उत्पादों का भली भांति समावेश किया गया है किस तरह की सेवाएं किस तरह के उत्पाद कि की उनकी जो कीमत है जो प्राइस है जो 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 डिजायर्ड यूज़ है जो डिजायर्ड पर्पस है बल्ब का उपयोग क्यों किया जाता है मित्रों लाइट जलाने के लिए किया जाता है ट्यूबलाइट का उपयोग क्यों किया जाता है रोशनी के लिए किया जाता है तो इनका जो इच्छित उपयोग है टूथपेस्ट का क्या उपयोग है दांत साफ करने के लिए होता आप कहेंगे नहीं सर टूथपेस्ट को तो हम जो है भगवान की मूर्ति को साफ करने के लिए भी करते हैं हाँ वो सही है बट इच्छित उपयोग वो नहीं है जिसके लिए वो निर्मित है जो प्राइमरी पर्पस है उसका मित्रों जो जो उनकी जो कीमत है और जो इच्छित उपयोग है वो उपभोक्ता जो है उसको अंतर परिवर्तनीय या प्रतिस्थापन योग्य मानते हैं इसका मतलब क्या कि वो जो गुड्स हैं वो जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से अदला बदली की जा सकती मान लीजिए मैंने क्रेटा की कार खरीदी या मारुति की कार खरीदी या किया की कार खरीदी तो ये किया ये मारुति और ये ह्यूंडाई किया की जो एस यो सब मैं खरीद रहा हूं एसयूवी। उूडाई की क्रेटा है मारुति की ब्रेजा है और किया की सेल्टोस है तो ये तीनों गाड़ियां तीन अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स ने बनाई हैं, बट उपयोग में ये भी ये भी और ये भी लगभग उतनी ही पावर की एस यानी कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है तो हम कह सकते हैं कि ये समरूप तरीके से इस्तेमाल की जा सकती हैं ये प्रोडक्ट होमोजेनस है ये सब इसी तरह के एस यू वी है ये अंतर परिवर्तनीय है मैं अगर ये खरीदना चाहता हूँ तो हो सकता है मैं ये भी देखूँ ये खरीदना चाहता हूँ तो हो सकता है ब्रेजा भी देखूँ ब्रेजा खरीदना चाहता हूँ तो हो सकता है क्रेटा भी देखूँ क्रेटा खरीदना चाहता हूँ तो हो सकता है सेल्टॉस भी देखूँ और और इसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो महिंद्रा की ले लीजिए उनकी भी है एक्स यू वी सेवन हंड्रेड और भी बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे मित्रों तो ये, ये ये जो है सब्स्टिट्यूटबल है ये इंटरचेंजेबल है ये प्रतिस्थापन योग्य है आगे चलते हैं डेफिनेशन में ऐसे भी उत्पाद या सेवा जिन्हें आपूर्तिकर्ता इंटरचेंजेबल मानता है सब्स्टिट्यूटेबल मानता है उदाहरण के लिए किया वाले ने मार्केट में कैरेंस भी निकाल रखी है ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों भी जो है एक ही प्रोडक्ट मार्केट हो जाए क्योंकि जो आपूर्ति करता है वो इसको अंतर परिवर्तनीय मानता है ऐसे उत्पाद और सेवा के बीच उत्पादन को स्विच करना आसान है इसीलिए आपको यह किया का उदाहरण दिया मारुति के पास भी तीन चार ऐसी वो अगर एक की मांग बढ़ने लगती है वो उसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है दूसरे का कम कर देगा कीमतों में छोटे और स्थायी परिवर्तन के जवाब में बिना ज्यादा जोखिम उठाए बिना ज्यादा लागत के वो प्रोडक्शन को कम ज्यादा कर देता है जल्दी से अल्प अवधि में उनकी मार्केटिंग भी कर लेता है तो किया के पास कैरेंस है किया के पास सेल्टॉस है और हो सकता है और भी गाड़ी है एक और गाड़ी है सोनेट और न जाने और कौन कौन सी होंगी मारुति के पास चार है तो ये हम कह सकते हैं कि ये भी इस कैटेगरी में चली जाती है। तो मित्रों जो हम आगे अगर देखेंगे हमने अभी तक रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट और रेलिवेंट जोग्राफिकल मार्केट की स्टडी की और इसके आधार पर रेलिवेंट मार्केट की स्टडी की मित्रों अब हम एक चीज और स्टडी करने वाले हैं जिसको हम रेलिवेंट टर्न ओवर की बात करेंगे कई बार हम जो कुछ कंसेप्ट को पढ़ने के लिए केस लॉ यानी कि वाद का सहारा लेते हैं मित्रों ये एक बहुत सुप्रसिद्ध वाद है 2017 वर्ष का वाद है इसने जो पुराने वाले जो केसेस थे सेल या अपोलो टायर्स इनसे आगे निकलते हुए थोड़ा सा नया जो सेटअप कर दिया डीएलएफ वाले केस को आगे बढ़ाते हुए आप के लीजिए डीएलएफ का जो केस था बेलेयर सोसाइटी वाला ये सब केस आप आगे जाके किसी ना किसी रूप में पढ़ेंगे बट अभी हम इनको आपके बारे में बस आ, आ, संक्षिप्त रूप में आपके सामने लेकर आ रहे हैं तो मित्रों ये जो वाद था ये एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की गोलियों से संबंधित था यहाँ जो रेलिवेंट मार्केट था वो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की गोलियां थी मैं आपसे पूछूं आपने कभी देखी है आपने कभी खरीदी है अगर आपको कृषि या बागवानी का बहुत शौक हो तो शायद खरीदी होंगी अन्यथा आपने सामान्य रूप में ये नहीं खरीदी होंगी बट अगर मैंने आपसे पूछा गोल्ड स्पॉट या ब्रेड या आ, कपड़े धोने का साबुन रिन या आपने जो है नहाने का साबुन या बालों में डालने वाला तेल या आ, मैगी या आ, इस तरह का या कलम या शर्ट इस तरह का वस्तु आपसे पूछूं खरीदी होगी तो आपने ज़रूर खरीदी होगी क्योंकि ये आपकी डेली के खरीदने वाली आवश्यकता है फल सब्जी अंडा आ, कलम जूते पानी की बोतल ये इस तरह की आपने वस्तुएं अवश्य खरीदी होंगी तो मित्रों ये एक सामान्य कीटनाशक है जो केवल बागवानी करने वाले या खेती करने वाले लोग प्रयोग करते हैं तो यह विशिष्ट उत्पाद हुआ और इसमें बिड रिगिंग का एलिगेशन था बिड रिगिंग का मतलब क्या कि इसमें जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफ़सीआई ने शिकायत की कि यह कंपनी एफ को कीटनाशकों की जरूरत होती है क्योंकि वो जो है बहुत सारे बोरे रखते हैं गेहूं के चावल के उनको जो है देश में खाद्य सुरक्षा मेंटेन करनी होती है तो खूब सारा अनाज का स्टॉक रखते हैं जो कई सालों तक पड़ा रहता है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए उनको जो है कीटनाशक डालने पड़ते हैं अपने गोडाउंस में तो वो निविदाएं निकालते हैं टेंडर्स निकालते हैं टेंडर्स के जवाब में तीन फर्म और ये एक्सेल क्रॉप केयर इन्होंने सबने मिलती जुलती हर बार दे देते तो ये कह रहे हैं कई वर्षों से ये खेल हमारे साथ हो रहा है और इन्होंने शिकायत दे दी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को कि कई वर्षों से हमारे साथ ये हो रहा है कि ये बिड को रिक कर रहे हैं ये नकली बिड डाल रहे हैं जो नकली टेंडर डाल रहे हैं ये सम्मिलित हैं इसमें कि टेंडर किसी को भी मिले टेंडर का पूरा पर्पस ही ये है कि कोई आदमी एक रुपए की डाले कोई डेढ़ रुपए की डाले कोई दो रुपए की कोई पांच रुपए की ऑब्वियसली सब कुछ ठीक है तो हम एक रुपए वाले को ले लेंगे बट अगर सभी लोग पांच रुपए की या सभी लोग ढाई रुपए की डालेंगे निविदा तो तो फिर वो बिड रिकिंग हो गई चलिए अब कॉम्पिटिशन कमीशन ने अपने डायरेक्टर जनरल को बोला इसको इन्वेस्टिगेट करिए डायरेक्टर जनरल ने जो जो कंप्लेन्ट थी उसको प्रथम दृष्टि अप्राइम फेसी सही पाया उल्लंघन पाया धारा तीन तीन दी अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजिशन इनकी जो ये इस इस मार्केट में ये काफी बड़े प्लेयर थे ये एक्सेल क्रॉप केयर और इन्होंने जो है इसको पेनल्टी लगा दी कंपटीशन कमीशन ने अब देखिए कंपटीशन एपलीट ट्राइब्यूनल के पास मामला गया उन्होंने ये तो सही पाया कि उल्लंघन सही है पर पेनल्टी जितनी लगाई उसको इन्होंने बदल दिया दंड के सवाल पे पेनल्टी के सवाल पे कॉम्पैक्ट कहता है कि सीसीआई ने जिस आधार पे दंड लगाया था उसका प्रूफ वो नहीं प्रदान कर पाया है फैसला सुनाते समय हमें रेलिवेंट टर्नओवर पे ध्यान देना चाहिए ये क्योंकि विशिष्ट उत्पाद है हमें रेलिवेंट टर्नओवर पे ध्यान देना चाहिए हमें यह नहीं देखना चाहिए कि उसका औसत कारोबार कितने का है या उसका कुल कारोबार कितना है औसत टोटल या एवरेज को नहीं देखना है हमें देखना है रेलिवेंट को हमें देखना है रेलिवेंट मसलन अगर कोई बिल्डर है तो हमें यह नहीं देखना कि उसने एक साल में टोटल कितनी बिल्डिंग है फ्लैट बना के बेचे हमें यह देखना है कि जिस बिल्डिंग या जिस फ्लैट में समस्या है वो जो बेचा उसने उसकी कीमत क्या थी मित्रों कॉमपैक्ट ने कहा अब माननीय उच्चतम न्यायालय एक कदम और आगे चला गया इन्होंने कहा यह जो आपका प्रिंसिपल है सामान्य रूप से ठीक है अगर कोई ब्रेड का केस है या टूथपेस्ट का केस है या कपड़े धोने के साबुन का केस है यह आम लोगों के इस्तेमाल की वस्तुएं हैं सामान्य रूप से खरीदे जाने वाली बेचने वाली वस्तुएं हैं इनमें तो आप ये रूल अपना सकते हैं मित्रों कि आप एवरेज या टोटल टर्नओवर के बेसिस पे जो पेनल्टी लगा दें दस परसेंट तक की बट प्रासंगिक कारोबार पे विचार किया जाना चाहिए और कुल कारोबार या औसत कारोबार के आधार पर अगर आप करेंगे तो असामान्य स्थिति पैदा हो जाएगी स्पेशली अगर मल्टी प्रोडक्ट फर्म हो आमतौर पे आप मार्केट में देखते हैं मल्टी प्रोडक्ट फर्म होती है मित्रों आईटीसी जो है वो सिगरेट भी बनाती है वो नूडल्स भी बनाती है वो नमकीन भी बनाती है बिस्किट भी बनाती है स्वेटर भी बनाती है, है। वो फर्श साफ करने का सामान भी बनाते हैं वो डेटॉल भी बनाते हैं वो जो है आपका टूथपेस्ट भी बनाते हैं साबुन भी बनाते हैं इसी तरह हिंदुस्तान लीवर है ये मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म्स के केस में बड़ी दिक्कत आने वाली है मित्रों इसलिए आपको रेलिवेंट टर्न ओवर पर ध्यान देना है यह निर्णय एक मील का पत्थर साबित हुआ है मित्रों एक और केस हम बड़ा अच्छा आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों ने महाभारत सीरियल जो ओरिजिनल बना था आज से लगभग 35 वर्ष पहले या अड़तीस वर्ष पहले छियासी सतासी की बात है तो सैंतीस अड़तीस वर्ष बीत गए बी आर चोपड़ा जी इसके निर्माता निर्देशक थे इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो भी अभी आप कभी यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा यदा यदा ही धर्मस्व ग्लानिर भरवती भारत तो वो आप देखेंगे फिर वो शुरुआत होती है उसकी मैं समय हूं नरेशन में आता है उस सीरियल की मैं बात कर रहा हूँ मित्रों बेसिक बी आर टीवी मुंबई ये बी आर चोपड़ा जी का प्रतिष्ठान था इनकी कंपनी थी इन्होंने एक टीवी धारावाहिक जिसका नाम महाभारत है इसका निर्माण किया इसके निर्माता निर्देशक चोपड़ा साहब स्वयं थे इन्होंने इसको बंगाली भाषा में डब करने का एकाधिकार सोल राइट्स मैग्नम टीवी सीरियल्स को प्रदान किए मैग्नम टीवी सीरियल्स नाम की फर्म को इन्होंने ये राइट्स प्रदान किए इसके अनुसार चलते हुए पश्चिम बंगाल में डब संस्करण डब्ड वर्जन के प्रसारण के लिए चैनल 10 और सी प्लस चैनल के साथ एक करार किया गया मसौदा किया गया समझौता किया गया अब मित्रों क्या हुआ जो प्रोड्यूसर थे टीवी के चैनल्स के बंगाल में वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल में जो कलाकार थे जो टेक्नीशियन थे कैमरामैन थे आ, एक्टर थे जो स्पॉट बॉयज थे तो दो अलग अलग फेडरेशन निर्माताओं की फेडरेशन प्रोड्यूसर्स की उनका संघ और ये जो कलाकारों का तकनीशियनों का जो संघ था इन्होंने दो अलग अलग पत्र जिनकी भाषा लगभग सिमिलर थी वो लिखकर प्रतिस्पर्धा आयोग को इसकी शिकायत की कि ये ऐसा कर रहे हैं हमें अपना काम करने से रोक रहे हैं ये बाजार में प्रतिस्पर्धा पे रोक लगाएगा क्योंकि देखिए महाभारत की स्टोरी तो सबको पता है अगर एक व्यक्ति ने महाभारत पे प्रोग्राम बना दिया तो क्या दूसरा नहीं बना सकता इनका सवाल यह था तो हमारे काम को रोक रहे हैं और कंज्यूमर का भी नुकसान कर रहे हैं कंज्यूमर को जो है अलग अलग तरह के फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलनी चाहिए वो किस तरह का कार्यक्रम देखना चाहता है तो इन्होंने आपत्तियां उठाई प्रथम दृष्टियां प्राइमा फेसी ये सही लगा तो सीसीआई ने अपने डीजी साहब को बोला आप इसकी जांच करिए अब आगे देखें क्या हुआ डीजी साहब ने जांच की जांच में पाया कि जो सबसे पहले जो मैंने कहा किसी भी जांच में सबसे पहले आपको क्या देखना है मित्रों तो यहां रेलिवेंट मार्केट क्या था रेलिवेंट मार्केट था पश्चिम बंगाल का फिल्म और टेलीविजन उद्योग फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल जोग्राफिकल एरिया वेस्ट बंगाल प्रोडक्ट फिल्म एंड टीवी सो प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विसेज दोनों आती रेलिवेंट प्रोडक्ट बताते टाइम मैंने आपको बताया था तो मित्रों सीसीआई ने फैसला सुनाया कि ये जो समझौते थे इसमें प्रतिबंध लगाए गए ये निर्माताओं और कलाकारों को अपना व्यापार करने से रोक दिया ये हमारे संविधान में भी नाइनटीन वन जी के अगेंस्ट है बट कंपटीशन एक्ट के दायरे में रहते हुए ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है सेक्शन थ्री में इसको प्रतिबंधित है मित्रों और राइट टू चूज यानी चुनने का अधिकार कस्टमर के पास भी चॉइस होनी चाहिए वो कौन सा प्रोग्राम देखना चाहता है चोपरा जी की महाभारत या किसी और के द्वारा बनाई गई महाभारत महाभारत पे तो किसी का एकाधिकार नहीं है कॉपीराइट लॉ में आपको बताया जा चुका होगा कि आइडिया पे तो किसी का कोई कॉपीराइट नहीं एक्सप्रेशन पे कॉपीराइट होता है तो मित्रों ये जो डीजी साहब ने ये पाया अब इसको अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पाया गया जो धारा तीन के तहत निषिद्ध मना है कॉम्पैक्ट ने सीसीआई के द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को उलट दिया अब सीसीआई पहुंचा कॉम्पैक्ट के निर्णय के विरोध में माननीय उच्चतम न्यायालय के पास और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं सीसीआई ने ठीक किया था और पुनः बहाल कर दिया जो सीसीआई के निर्देश थे कॉम्पैक्ट के निर्देशों को उलटते हुए सीसीआई के निर्देश को उन्हें बहाल कर दिया मित्रों तो मित्रों ये तो हो गया यह बात बाजार में प्रतिस्पर्धा जो है बहुत ही लाभकारी होती है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि किस तरह प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप 50 वर्षों बाद भी दिल्ली और बंबई का जो रेल जो हवाई जहाज का किराया है वो पांच हजार रुपए ही है जबकि की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई और लोगों का वेतन स्तर कहां से कहां पहुंच गया और महंगाई का स्तर तीन गुना बढ़ गया तो जिस टिकट को पंद्रह लाख हो जाना चाहिए था अगर आप मान के चले पचास साल पहले की महंगाई के स्तर को पंद्रह सोलह सत्रह लाख रुपए का टिकट होना चाहिए था आज दिल्ली और बंबई का पंद्रह सत्रह लाख रुपए की जगह वो टिकट आपको अगर पांच हजार में मिल रहा है तो क्या बुरा है मित्रों तो ये है कंपटीशन क्या कर सकता है मैं ये दो फिगर लिख के बस बताना चाह रहा हूँ पांच हजार रुपए का टिकट और उसी प्राइस लेवल पे अगर हम चलें तो ये सत्रह लाख आज की कीमत है आप तीन सौ तैस को से मित्रों प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो है कंपनियों को और अधिक रिस्पॉन्सिबल बनाता है ये अपने आप अपनी चीजें बताते हैं प्रतिस्पर्धा के तहत प्रासंगिक उत्पाद बाजार प्रासंगिक भौगोलिक बाजार का निर्धारण बहुत ही आवश्यक है एक्सेल क्रॉप केयर में रेलिवेंट टर्न की बात की गई है जो आपने अभी देखा आ, कि हमें ना तो विशिष्ट गुड्स के केस में विशिष्ट सर्विसेज के केस में हमें एवरेज टर्न की बात नहीं करनी है टोटल टर्न की बात नहीं करनी है हमें रेलिवेंट टर्न की बात करनी है प्रासंगिक कारोबार की बात करनी है ना कि औसत कारोबार की या कुल कारोबार की क्योंकि ऐसा करने पर मल्टी प्रोडक्ट फर्म के केस में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी और दूसरा जो प्रसिद्ध वाद हमने डिस्कस किया उसमें यह था कि अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे सोल मनापली दे देंगे केवल एक ही को डब करने के लिए और किसी को महाभारत नहीं बनाने देंगे मित्रों ये बी टीवी वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ तो आप मित्रों ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन है ग्राहकों का नुकसान है कि उनको चॉइस नहीं मिल रही और जो कलाकार हैं जो टेक्नीशियन हैं जो प्रोड्यूसर हैं उनको अपना व्यापार उन अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर ही नहीं मिल रहा तो मित्रों ये हमने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे परिचर्चा यहाँ पर की है आशा है आपको स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 पे आने वाले कंटेंट आने वाले प्रोग्राम्स पसंद आ रहे होंगे और ये भी आपसे आशा करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा आपसे पुनः मिलेंगे लेक्चर नंबर चार लेकर आएंगे तब तक देखते रहिए स्वयं प्रभा आपका बहुत बहुत धन्यवाद